प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर टॉपिक में सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए 9 रूल्स देख चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 10th रूल क्या है? सम नाउन्स आर मेड ऑफ पेयर्ड आइटम्स एंड आर ट्रीटेड एज प्लूरल। कुछ नाम शब्द है जो पेयर्ड होते हैं, ठीक है, वो दो पार्ट उसके बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, तो वैसे नाउन्स को हम लोग प्लूरल मानते हैं। जैसे सीजर्स, कैची जो होता है उसका दोनों पार्ट जो होता है एक जैसा लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सिमिलरली ट्राउजर्स, पैड्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर ट्रीटेड एज प्लूरल बिकॉज द टू पार्ट लुक अलाइक, मीन्स लुक्स सिमिलर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सम कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसको हम लोग प्लूरल मानते हैं, जैसे पीपल, पोल्ट्री, कैटल एक्सेट्रा। पीपल, पोल्ट्री, ये सब क्या है? हमेशा ही प्लूरल माना जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट काउंटेबल सो दे आर सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन में, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नहीं होते हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग हमेशा ही सिंगुलर मानते हैं। ओके, एग्जांपल काइंडनेस, लव, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ठीक है, ब्रेवरी एटसेट्रा, दीज ऑल आर सिंगुलर नाउन्स। ओके, नेक्स्ट इज सम नाउन्स आर ओनली यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका हम लोग हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, उसका प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है, जैसे एपरेटस, लगेज, फर्नीचर, न्यूज। न्यूज देखिए लगाया प्लूरल होगा, ये लगा हुआ है, पर एक्चुअली है क्या? सिंगुलर। फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, दीज ऑल नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, नेवर यूज इन प्लूरल। सब नाउन्स दैट एंड इन एस लुक लाइक दे आर प्लूरल बट दे आर एक्चुअली व्हाट? सिंगुलर। ओके, कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में लगता है कि वो प्लूरल होगा पर एक्चुअली होता क्या है? सिंगुलर होता है। एग्जांपल वेजेस, देखने में लग रहा है ना प्लूरल है पर एक्चुअली क्या है? सिंगुलर है। वेजेस, बिलोंगिंग्स, इटेबल्स, वैल्यूएबल्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल स्टडी, ये सभी देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, क्योंकि यस लगा हुआ है, बट क्या है? ये सभी सिंगुलर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज सब नाउन्स है सेम फॉर्म इन द प्लूरल। सेम फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होता है, ठीक है, एज ए सिंगुलर भी सेम यूज होगा, एज अ प्लूरल भी सेम यूज होगा, जैसे शिप, डियर, डोजेन एटसेट्रा, दीज ऑल आर यूज ईदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल बोथ इन द सेम फॉर्म। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्या है? देयर आर एयर्स इन द सेंटेंसेस में कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, वी हैव टू मेक चेंजेस एज रिक्वायर्ड, ठीक है, हम लोगों को चेंजेस करते हैं जैसा जरूरत होगा, जहां पे मिस्टेक है उसको हम लोग को सुधारना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिमी हैज लॉस्ट हर इंटायर लगेज। मिमी हैज लॉस्ट हर इंटायर लगेज, बताइए इसमें क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? देखिए लगेज क्या है? हमेशा ही सिंगुलर में यूज होता है, कभी प्लूरल में यूज नहीं कर सकते, लगेज हमेशा ही सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे एस लगाकर प्लूरल बताया जा रहा है, ठीक है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए? मिमी हैज लॉस्ट हर इंटायर लगेज विल बी यूज हियर। ओके, तो क्या बनेगा? मिमी हैज लॉस्ट हर इंटायर लगेज,
फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर गेव द चाइल्ड सम यूजफुल एडवाइस। अब इसमें क्या मिस्टेक है आइडेंटिफाई करिए। यहां पे देखिए चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या बताया गया है चाइल्ड्स, ये लगाकर बताया गया है, जबकि हम लोग पढ़े हैं चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन होता है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, फादर गेव द चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन, सम यूजफुल एडवाइस। ओके, तो यहां पे चाइल्ड की जगह क्या होगा चिल्ड्रेन होगा। नेक्स्ट इज डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, क्या मिस्टेक है बताइए। यहां पे ग्रासेज है, ये ग्रासेज मिस्टेक है, क्यों, ग्रास को हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो भी अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा उसका यूज हम लोग एज अ सिंगुलर करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ग्रासेज तो होगा, क्या होगा ग्रास होगा, फाइन। तो क्या बनेगा, डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, नॉट ग्रासेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सन इज प्लाउिंग द फील्ड। अब यहां पे क्या मिस्टेक है, यहां पे ऑक्स के जगह पे ऑक्स का प्लूरल क्या होता है ऑक्सन, बट यहां क्या यूज हुआ है ऑक्सन, एस लगाया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि एक्स होता है, एस होता है, एस एच होता है, डबल एच होता है, सी एच होता है, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं ई एस, बट ये ऑक्स जो है एक्सेप्शन है। ओके, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, ई एन होता है, तो यहां पे ये मिस्टेक है। तो क्या होगा द ऑक्सन, अब सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल हो गया, अब यहां पे इन होगा या आर होगा, आर होगा यहां पे प्लाविंग द फील्ड। ओके, तो क्या सेंटेंस बना, द ऑक्सन आर प्लाविंग द फील्ड। नेक्स्ट इज माई यंगर सिस्टर इज 6 ईयर ओल्ड, क्या मिस्टेक है, यहां पे जब 6 है तो यहां पे क्या हो जाएगा इयर्स हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा माई यंगर सिस्टर इज 6 ईयर्स, ये बनेगा ना 6 ईयर्स ओल्ड। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हम लोग सेंटेंसेस में करते रहते हैं, ठीक है। तो अब से सिंगुलर और प्लूरल जो है आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पे सिंगुलर कौन सा होगा और कहाँ पे प्लूरल कौन सा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये